नमस्कार दोस्तों, डीके 3D होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और आप जानते हैं मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक बढ़िया सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। प्लान की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर स्क्रीन पर जो है हमारे ऑफिस के नंबर है, अगर आपको भी प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन हम जो भी सर्विस देते हैं उसके नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, वो चार्जेस जो है आपको ऑनलाइन पे करना पड़ता है। तो आज का प्लान जो है थर्टी फीट बाय 45 फीट का एक प्लॉट का साइज़ है, मतलब 30 फीट बाय 45 फीट का, जिसमें यह प्लान हमने बिठाया था कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था। तो देखिए, ये नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है, मतलब रोड जो है नॉर्थ फेस में, और बाकी तीनों साइड है, तीनों साइड में दूसरे प्लॉट्स है। लेकिन पीछे की साइड में भी 2 फीट की जगह छोड़ी है, इस साइड में भी 2 फीट की जगह छोड़ी है, और यहाँ पर लगभग 4 फीट 3 इंच की जगह छोड़ी है, मतलब 4 फीट 3 इंच की, और यहाँ पर 3 फीट की जगह छोड़ी है। देखिए, मेन रोड है, रोड से एंट्री करेंगे तो यहाँ पे इस वरांडे पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। देखिए, यहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट होती है और यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर हम बाइक वगैरह पार्क करने के लिए जगह मिल जाती है, लगभग 3 बाइक हम पार्क कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर भी एक डोर दिख जाएगा और यहाँ पर भी एक डोर दिख जाएगा। यहाँ पर जो है लिविंग रूम का डोर है, यहाँ पर गेस्ट रूम का डोर है, ठीक है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि गेस्ट रूम का डोर जो है उनको बाहर चाहिए, तो देखिए यहाँ पर जो है गेस्ट रूम का डोर दिया गया है, और गेस्ट रूम का साइज़ जो दिया गया है लगभग 12 फीट 8 इंच बाय 10 फीट का। तो पहले लिविंग रूम में एंटर कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लिविंग रूम का साइज़ है 15 फीट बाय 12 फीट 9 इंच का, इस लिविंग रूम का साइज़ है, मतलब 15 फीट बाय 12 फीट 9 इंच का। दो विंडोज़ बताए गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर ओपन किचन बताया गया है, लगभग 14 फीट 5 इंच बाय 11 फीट 6 इंच का है, मतलब 14.5 फीट बाय 11.5 फीट का, काफ़ी बढ़िया साइज़ है। और एक स्टोर रूम भी एडजस्ट किया गया है अंदर ही, और यहाँ पर एक डोर दिया है इस वॉश एरिया को यूज़ करने के लिए। देखिए, इस साइड में जो है लगभग एक वॉश एरिया दिया गया है, बर्तन वगैरह धोने के लिए और कपड़े वगैरह सुखाने के लिए यह जगह जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो जो है यहाँ पर एक बताया गया है और यहाँ पर एक छोटा सा विंडो बताया गया है। इस साइड में आते हैं तो देखिए, यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम बताया गया है, यहाँ पर एक बाथरूम और यहाँ पर एक टॉयलेट बताया गया है। और उसके बाद में एंट्री कर रहे हैं इस गेस्ट रूम में। देखिए, हमारे मेहमान वगैरह गेस्ट रूम में ठहर सकते हैं, या तो आप उसे मास्टर बेडरूम भी कर सकते हैं या तो चिल्ड्रन बेडरूम भी कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। 12 फीट 8 इंच बाय 10 फीट का इस गेस्ट रूम का साइज़ है, और इसे एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है जो अंदर से यूज़ कर सकते हैं, मतलब इनकी किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती है। अगर आप चाहें तो यह कैंसिल भी कर सकते हैं, और क्योंकि ये भी नज़दीक है टॉयलेट बाथरूम, तो यहाँ से डायरेक्टली ये भी यूज़ कर सकते गेस्ट रूम वाले, ठीक है। तो विंडोज जो है इस साइड में बताई गई है, और गेस्ट रूम को फ्रंट साइड में बताया गया है। लास्ट में हमारा मास्टर बेडरूम दिया गया है, 10 फीट बाय 11 फीट 6 इंच का है। मास्टर बेडरूम का साइज जो है 10 फीट बाय 11 फीट 6 इंच का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम जो है नज़दीक है, इसलिए इसको अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं दिया गया है। अगर आप चाहें तो इसे अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दे सकते हैं, और ये जो बाथरूम दिया गया है इसको अटैच टॉयलेट बाथरूम भी बना सकते हैं, और यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं, और यही जो अटैच वाला है यह बाहर निकाल सकते हैं और बाहर बाथरूम भी बना सकते हैं, ठीक है। नॉमिनल चेंजेस आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये इस टाइप में 30 फीट बाय 45 फीट का एक पूरा प्लॉट का एरिया था, जिसमें हमने यह 2 BHK प्लान बिठाया। आशा करता हूँ कि प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद भी आया है। अगर आपको यह प्लान पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो तो शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।